हेलो फ्रेंड्स, ये इज योर फ्रेंड राहुल व्यास एंड यू आर वाचिंग टेक्नोपाथ आरवी। फ्रेंड्स, आ गया है हमारे पास वन प्लस का नोड, जो कि बहुत ही पॉपुलर अभी हो रहा है। अभी कंपटीशन बहुत सारे न्यू स्मार्टफोन के साथ उसका हो रहा है। तो फ्रेंड, मैंने ऑर्डर कर लिया है और वो है मार्बल ब्लू कलर में। तो फ्रेंड, मैंने पहले ही इसका अनबॉक्स तो कर लिया था, लेकिन अब जो फर्स्ट व्यू है मेरा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो बूम, ये ना हमारा वन प्लस की ओर से नोड। फ्रेंड्स, ये आज ही सुबह में आया है, तो जल्दी से मैं इसको आपको शेयर करता हूँ, इसका फर्स्ट व्यू। हालांकि मुझे इन हैंड फील जो है इसका बहुत ही प्रीमियम लगा है। और सिंपल, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, एक आपको वुड चार्जर मिल जाता है 30 वॉट का, और उसके साथ टाइप सी का केबल मिल जाता है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो कि रेड कलर में है। आप तो जानते हैं कि वन प्लस ऑलवेज उसका एक ये सिंबल है, ब्रांड का जो लुक है वो उसके रेड रंग से ही आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और नहीं मिलता है, एक केस मिल जाता है सिलिकॉन कवर, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सिंपली आपको बॉक्स ओपन करूँगी, तो ये नोड है ब्लू रंग में, मेटालिक टाइप, यहाँ पे फिनिश नहीं है क्योंकि पीछे भी गोरिल्ला ग्लास है और फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो मैंने इसका कवर है जो बैग वो निकाल दिया है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्बल ब्लू कलर है, बहुत ही प्रीमियम, ये फंकी लुक है फ्रेंड। हालांकि इसके दो भी कलर वेरिएंट है, ग्रे और एक डार्क ब्लैक टाइप है, लेकिन वो है ना वो मैच्योर लगता है, लेकिन ये फंकी लुक है। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास वन प्लस नोट, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक इसको फील किया है इन हैंड, तो प्रीमियम फील हो रहा है और कम्प्लीटली मेरे इन हैंड में फिट आ रहा है। हालांकि मेरे पास फ्रेंड वाई टू भी है रेडमी का, लेकिन वो बहुत ही बल्कि और बड़ा लगता है, लेकिन ये यार फंकी लुक के साथ हमें परफेक्टली ग्रिपिंग भी देता है। फ्रेंड्स, पीछे है ये हमारा जो मेटालिक यहाँ पे जो मार्बल ब्लू कलर का हमें ग्लास, गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, जो फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिल जाता है। और जहाँ तक पीछे की बात है, हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे ड्यूअल LED भी मिलता है, और जो इस प्राइस रेंज में उन्होंने ये जो ये कैमरे का रखा है वो अच्छा बैठ जाता है। यहाँ पे 48+8 और 5 और 2K डेप्थ और माइक्रो सेंसर भी मिल जाता है। यहाँ पे सोनी का सेंसर उन्होंने यूज किया है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं फ्रंट की बात करूँ, तो यहाँ पे है ना 32 और 8 मेगापिक्सल का जो हमारा अल्ट्रावाइल्ड रेंज का है वो कैमरा उन्होंने दिया है। और इसमें एक बहुत ही गौर करने की बात ये है फ्रेंड्स कि इस प्राइस रेंज में यार ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजर कोई नहीं देता, जबकि ये देता है। बाकी सब में क्या होता है, ESI का जो सपोर्ट है EIS का वो मिल जाता है फ्रेंड्स, तो इससे हम कंपेयर करें तो ये बहुत बेटर है। फुल एमोलेड फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हम आगे करें तो इसका जो फ्रंट और बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 तो मिलता है, लेकिन जो मुझे एक बात खटकती है वो है इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक फ्रेम में मिलता है। हालांकि प्लास्टिक फ्रेम में तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो गौर करने की बात है, इतने पैसे लेने के बावजूद भी 3.5mm जैक नहीं दिया यार, हम हैंड पे यूज भी कैसे करें, लेकिन यहाँ पे 5.1 का हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी में थोड़ा सा बेटर मिल जाता है। हालांकि जब इसके लॉन्च हुआ था, उसके जो फर्स्ट टॉक उन्होंने रिलीज किया था, उसमें कुछ डिस्प्ले का टिल्ट होने का प्रॉब्लम भी आता था, लेकिन वो उन्होंने अपग्रेड में थोड़ा सा बेटर किया है, और साथ ही में जो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा था वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक हमने बात है, पूरी जो मोबाइल का लुक है वो उन्होंने 50% कवर कर दिया है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बॉक्स के अंदर जो कंटेंट हमें मिलते हैं उसके बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जो बॉक्स है वो ब्लैकिश विद नेवी ब्लू कलर की लाइनिंग के साथ आता है, और जैसे ही हम इसको खोलते हैं सबसे पहले तो मिलता है हमारा फोन, और जो कि रैप किया हुआ होता है, तो उसके ये ट्रे है उसकी, इसके अंदर मिलता है, और उसके नीचे हमें मिल जाता है ये सिलिकॉन कवर है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा है। और इसका जो ये बम्पर्स दिए है तो डेफिनेटली फोन को ये प्रोटेक्ट करेगा, और मैंने इसको लगा के भी यूज किया है, डिसेंट परफॉर्मेंस है फ्रेंड, एवरेज है। सो यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है नोट के, इसके वन प्लस मेंबरशिप के, हालांकि उन्होंने मोबाइल के पीछे भी 2 ब्रांडिंग दिया है, पता नहीं यार उन्होंने क्यों दे दिया है, एक तो नीचे वन प्लस भी लिखा है, ऊपर वन प्लस का लोगो भी लगाया है, कहना क्या चाहते हैं फ्रेंड्स, वो सब छोड़ते हैं। तो इनको मैं नीचे रख देता हूं। अब बात है यहाँ पे चार्जर, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं है। मन लागी होकर तार छोड़ाती हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मैनुअल से मिल जाते हैं और नोड का वन प्लस मेंबरशिप का कार्ड मिलता है और कुछ क्विक यूजर गाइड और सब मिल जाता है। बकवास है ये, मैंने जो आपको बताया था जो हमारा मोबाइल है उसको रैप किया हुआ था, ये भी सारी जो मेन चीज है फ्रेंड्स यही है। ये 30 वॉट का रैप चार्जर मिल जाता है और जो ये हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है फ्रेंड्स वन प्लस का एक ब्रांडिंग इमेज हम कह सकते हैं। ये उसका वायर है फ्रेंड्स, टाइप सी केबल हमें मिल जाता है, अच्छी खासी लेंथ है फ्रेंड्स और जो हैवी सा यार रैप चार्जर मिल जाता है 30 वॉट का। और जो बैटरी वन प्लस ने दी है वो 4115 mAh है, सो बैटरी और चार्जर को बैलेंस किया हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी ब्रांड क्या करती है, चार्जर इतना ज्यादा दे देती है यार उसका मतलब कि, और बैटरी उसको कम कर देते हैं तो क्या होता है, बैटरी ज्यादा जल्दी से जल्दी नीचे उतर जाती है, डाउन हो जाती है, तो हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, तो वो बात ये बैलेंस की हुई है तो अच्छा है। फ्रेंड्स वन प्लस है ना वो एक ब्रांड है, यहाँ पे 25,000 आप अगर स्पेंड करने जा रहे हो या तो उसके साथ ही जो बहुत सारी दूसरी ब्रांड है, रियलमी आ गई, रेडमी आ गया, ओप्पो वीवो तो है ही पहले से पीछे पड़ा हुआ, तो फ्रेंड्स वन प्लस ने क्या सोचा उनके साथ कस्टमर्स को एक ऑप्शन दे दे, तो उसने ये बजट फोन निकाला, इसका MRP 28,000 रखा है उन्होंने, लेकिन अभी है ना महासेल चल रहा है, क्या चल रहा है महासेल Amazon का भी और Flipkart का भी, लेकिन है ना वन प्लस का जो फोन है वो Flipkart पे नहीं मिलता, और अभी है ना Amazon पे बहुत बड़ा सा तगड़ा सा ऐसा हाथी जैसा ऑफर चल रहा है वो HDFC कार्ड के ऊपर। फ्रेंड्स आपको एवरेज है ना 3,000 का आपको बड़ा सा कैशबैक मिल ही जाएगा, आपको सिर्फ 30,000 का जो परचेस करना पड़ेगा और ये फोन है वो आपको सेल में मिल जाएगा 26,300 के आसपास ये मिल जाएगा, मुझे है ना 26,250 के आसपास मिला है। फ्रेंड्स उसके साथ मैंने एक दूसरा भी मोबाइल लिया है उसका अगर डिलीवरी नहीं हुआ है वो है रेडमी का Redmi 9A है, तो उसका मैं आने के बाद रिव्यू करूंगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये फोन चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर बार देता हूँ इस बार भी दूंगा, आप चेक जरूर कर लीजिएगा, शायद आप लकी हो और प्राइस ड्रॉप हो सकती है और आपको डिस्काउंट और भी ज्यादा मिल सकता है। फ्रेंड्स AMOLED डिस्प्ले की वजह से यार मुझे ये फोन बहुत मुझे पसंद आया, क्योंकि मेरा जो प्रेफरेंस है वो मैं गेमिंग नहीं करता हूँ लेकिन मेरा यूट्यूबिंग और एडिटिंग सब बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत बढ़िया रही। फ्रेंड्स यहाँ पे सेंसर दिया गया है लेकिन दूसरे फोन में यहाँ पे फ्रेम में दिया गया जाता है साइड में लॉक बटन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इन स्क्रीन के अंदर ही यहाँ पे मिरर में स्कैनर दिया गया है और बहुत ही एवरेज से ज्यादा मैं कहूंगा कि स्पीड मिलती है, आपको दिखा देता हूँ तुरंत ही मिस सेकंड के आधे हिस्से के बराबर भी नहीं है, मिली सेकंड में यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है और यहाँ पे ड्यूअल कैमरा है फ्रेंड्स, पंच होल है यहाँ पे, इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है और ये है 32 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 105 की अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रेंज कवर कर देता है, मैंने इससे कुछ सेल्फीज भी खींच के रखी है, शायद मैं एडिटिंग के टाइम आपको बाजू में दिखा दूंगा इसकी क्वालिटी कैसी है फ्रेंड्स, लेकिन अभी है ना डिटेल रिव्यू मैं आपको नहीं दूंगा, अभी 15-20 दिन बाद मैं इसको यूज कर लूंगा और इसका डिटेल रिव्यू का वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, तब तक अगर आपको हमारे ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक तो जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे बेल बटन आएगा उसको दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है ना ओवरऑल लुक था, और एक चीज रह गई है यहाँ पे जो इसका जो फ्रेम है वो मेटालिक नहीं मिलता है, प्लास्टिक है और ब्लूइश कलर में है, और यहाँ पे है ना अलर्ट स्लाइडर मिलता है, ये एक नई चीज है जो कि अलर्ट स्लाइडर है वो साइलेंट रिंग मोड में और वाइब्रेट मोड में यहाँ पे स्विच करता है, पावर बटन मिल जाता है और यहाँ पे टाइप सी का हमें पावर पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे जो है ना ये स्टीरियो स्पीकर नहीं है, वन स्पीकर है लेकिन बहुत बढ़िया साउंड यहाँ पे बजाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने साउंड प्ले करके भी देखा था और यहाँ पे माइक मिल जाता है, ऊपर भी एक माइक मिल जाता है और नॉइज कैंसलेशन है इसमें से, और यहाँ पे सिम ट्रे मिलती है। फ्रेंड्स इसमें एक और ड्रॉप है कि यहाँ पे है ना मेमोरी बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ड्यूअल सिम 5G प्लस 4G का मिल जाता है, लेकिन 5G है ना बहुत दूर की बात है, अभी तो यहाँ पे 4G की स्पीड भी अच्छी खासी नहीं मिलती, तो 5G का हम साइड में रखते हैं, ड्यूअल सिम मिल जाता है ट्रे, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लोट नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स मैं राहुल व्यास ये आपके साथ कुछ शेयर की बातें और
वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए अगले वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ टेक्नोपैथारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए और इसकी जानकारी हर एक यूज़र को मिलनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपैथ आरवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारे वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत ही मिलती रहे। फ्रेंड्स स्क्रीन में दिखाए गए हमारे चैनल के लोगों को क्लिक करके आप इजीली हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोपैथ आरवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।